नमस्कार, मैं शुक्ला पायल और आप देख रहे हैं DRV न्यूज़। आज मैं महाराष्ट्र की उन दो महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ जो आम नागरिकों को जानना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली खबर है कि 2 अप्रैल अर्थात कल से मेट्रो की दो लाइनों की शुरुआत होने जा रही है। 8 साल बाद महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि मेट्रो की दो अन्य लाइनों को शुरू की जाए और इसकी जानकारी MMRDA अर्थात मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो आयुक्त थे SVR श्रीनिवासन ने ऐलान किया है कि सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आंशिक रूप से इसे खोलने का फैसला किया गया है। और ये जो दो मेट्रो लाइन स्टार्ट होने वाली है उसका नाम है 2A और 7। जो 2A है उसकी पहचान पीले रंग से होगी, तो वहीं 7 की पहचान लाल रंग से की जाएगी। और इसमें कुल 6-6 कोच निर्धारित किए गए हैं। यह हर दिन 18 घंटे का सफर तय करेगी। महाराष्ट्र के राज्य सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी द्वारा कल इसका उद्घाटन किया जाएगा और वहाँ पे एकनाथ शिंदे भी मौजूद होंगे। और इसके बाद 3 तारीख से यह आंशिक रूप से खोल दी जाएगी। और इसमें कुल 2A और 7 की जो मेट्रो है उसके बीच में कुल 18 स्टेशन निर्धारित की गई हैं। और इसके अगर किराए की बात करें तो 3 किलोमीटर के लिए 10 रुपये, तो वहीं 3 से लेकर 12 किलोमीटर के लिए 20 रुपये, तो वहीं 12 से लेकर 18 किलोमीटर के लिए 30 रुपये और 18 से लेकर 24 किलोमीटर के लिए 40 रुपये निर्धारित की गई है। और फिलहाल इस मेट्रो लाइन के शुरुआत की तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें कुल 1500 करोड़ रुपये की लागत खर्च हुए हैं। और सबसे पहले 2A पे ध्यान पर नज़र डाले जाए तो जो 2A लाइन है, मेट्रो लाइन है, तो वह दहिशा से लेकर दहाड़ू कोरवाड़ी तक सफर तय करेगी। तो वहीं जो दूसरी है 7 मेट्रो, तो वह दहिशा से लेकर आर्य कॉलोनी तक का सफ़र तय करेगी। इस सफ़र तय करने से लगभग 18 यात्री इस पर यात्रा कर सकेंगे। और इस तरह की जो अभी ये जो नई दो लाइनें स्टार्ट होने वाली है, तो इसके बाद जो मेट्रो नेटवर्क की लंबाई है वह 12 किलोमीटर से बढ़कर 50 किलोमीटर तक हो जाएगी। और इस मेट्रो लाइन के आ जाने से जो सड़क परिवहन पर वाहनों का दबाव है वो भी काफ़ी तादाद में कम हो जाएगा। और साथ ही जो रेलवे और बेस्ट की बसों में भीड़ भाड़ है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो वहीं दूसरी सबसे राहत भरी खबर है महाराष्ट्र के आम नागरिकों के लिए कि 2 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि सारे जो भी कोरोना नियम या प्रोटोकॉल है, प्रतिबंध, उनको हटा दिए जाएंगे। और साथ ही जो मास्क की अनिवार्यता है उसको भी समाप्त करने का ऐलान किया गया है। लगभग 2 साल बाद कैबिनेट में बैठक के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऐलान किया गया या उस पर मुहर लगा दिया गया है कि अब जो जैसे कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए थे कोविड के, तो यहाँ पर जो प्रतिबंध थे वो भी काफ़ी कड़े थे। तो उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान कर लिया है कि अब पूरी तरह से प्रोटोकॉल हटा दिए जाएंगे, जिससे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। और इसकी जानकारी खुद महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी है। और वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में इन दिनों को जो भी कोरोना केसेस है वो काफ़ी तादाद में कम हो गए थे, जिसके बाद सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। यदि ध्यान दिया जाए तो काफ़ी जो भी प्रतिबंध है वो काफ़ी हद तक समाप्त किए गए थे, जिसके अंतर्गत रेस्टोरेंट, पार्क, थिएटर, स्कूल, कॉलेज में जो भी कोविड प्रतिबंध थे वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए थे। परंतु अब जो भी कोविड के अंतर्गत प्रतिबंध लागू किए गए थे वो भी 100% हटा दिए गए हैं। जैसे कि इन दिनों जैसे कि 2 को गुड़ी पड़वा, रामनवमी, तो वहीं 14 को VR अम्बेडकर जयंती है, तो इसको लेकर आम नागरिकों में काफ़ी उत्साह है। तो राज्य टोपे ने लोगों से अपील की है कि त्यौहार को मनाते समय अनुशासन का पूरी तरह से पालन किया जाए, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। और साथ ही यदि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षितता का ध्यान में रखते हुए मास्क का प्रयोग करें, उचित सुरक्षित दूरी बनाएं, और साथ ही जिन लोगों ने अब तक टीकाकरण नहीं किया है वह टीकाकरण करें, ऐसे आम जनता से अपील की गई है। और यदि अभी वर्तमान समय में महाराष्ट्र के कुल केसेस की जानकारी या कुल केसेस पर नज़र डालें तो देखा जाएगा कि इस समय 24 घंटे में कुल 183 अर्थात 183 केसेस आए हैं, जिसमें एक मरीज की मौत हुई है। और रात भरी खबर यह है कि इन मरीजों के ठीक होने की संख्या कुल 219 है। और फिलहाल एक्टिव या सक्रिय केसेस की बात करें तो वह कुल
902 है। फिलहाल खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।